नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये आपका मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो ये आपको विजिबल हो जाएगी। बस अब ये खत्म होने वाली है, एक दो क्लास की और बची तुम्हारी माइक्रोवेव, है ना। चलिए स्लाइड्स अपलोड कर दूँ मैं। लिंक कैलकुलेशन, लिंक कैलकुलेशन, ठीक है ना। देखो, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लिंक कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट लिंक कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, मतलब बहुत जरूरी चीज है। विच इंक्लूड एक्सप्रेशन, विच इंक्लूड एक्सप्रेशन फॉर द पावर्ड डिलीवर। ये किसका एक्सप्रेशन शो करता है? फॉर पावर फॉर द पावर रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंटीना, पावर रिसीव्ड, पावर रिसीव्ड बाय रिसीविंग एंटीना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड लिंक कैलकुलेशन। तो अगर आप पावर कैलकुलेट करते हो तो वो लिंक कैलकुलेशन कहलाती है, वो भी रिसीवर की पावर। तो हम लोग इस डेरिवेशन में पावर ही कैलकुलेट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड लिंक कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर ही कैलकुलेट करेंगे ना। सो लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर की भी डिस्टेंस हम लोग कुछ मान लेते हैं, एंड रिसीवर इज स्मॉल डी। सपोज लेट रिसीवर हैज, लेट रिसीवर हैज इफेक्टिव एरिया, रिसीवर हैज इफेक्टिव एरिया, इसको हम ए मान लेते हैं, और रिसीवर का है इसलिए इसके सफिक्स में आर लगा दो, आर फॉर द रिसीवर एरिया। और ट्रांसमीटर का है तो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ट्रांसमीटर का एरिया ओ मान लेते हैं,
क्योंकि वो ऑब्जर्वर होता है. सो एंड द ट्रांसमीटर हैज एंड द या फिर तुम चाहो तो इसको टी भी मान सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है ना, सब कुछ नहीं है. एंड द ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर हैज इफेक्टिव एरिया हैज इफेक्टिव एरिया इसको तुम ए टी मान सकते हो ट्रांसमीटर का ना. द पावर रेशो तो आपके पास में एक मिल जाएगा आपको पावर रेशो, देन द पावर रेशो तो पावर रेशो कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपली पी आर अपॉन पी टी रिसीवर टू ट्रांसमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा. ऑब्वियसली बात है पावर जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और वो एरिया की रेशो की फॉर्म में वो आएगा. पावर किस पर डिपेंड करती है, एरिया में, तो वो एरिया के रेशो की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से. सो पी आर इज द पावर ऑफ रिसीवर एंड पी टी इज द पावर ऑफ ट्रांसमीटर. सो पी आर इज द पावर ऑफ रिसीवर एंड पी टी इज द पावर ऑफ ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ठीक है. नाउ द पावर ऑफ रिसीवर इज गिवन बाय, तो हमारे पास पावर ऑफ रिसीवर अगर आपको निकालना है तो पावर ऑफ रिसीवर इज गिवन बाय पावर ऑफ ट्रांसमीटर मल्टीप्लाई विद द एरिया रेशो, मल्टीप्लाई विद द एरिया रेशो, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है. अब इसके बाद जो चीज आती है द गेन, अब गेन की बात करते हैं. तो पावर हो गया मेरे पास, नाउ द गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, नाउ द गेन फॉर ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर का गेन कितना हो जाएगा मेरे पास, जी टी दैट इज द 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन, ये तो उसका इफेक्टिव एरिया और इसका नॉर्मल एरिया हो जाएगा ट्रांसमीटर का ए टी, तो ये गेन हो जाएगी. गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये तो उसका आउटपुट हुआ एरिया और ये उसका इनपुट एरिया हुआ, ठीक है. और इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, द गेन ऑफ रिसीवर. ये ज़्यादा मैं आपको स्टिल लिखा रहा मैं क्योंकि आपके 5 नंबर का सवाल आता है इससे, तो बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूँ इस चीज़ को ताकि आपका भी टाइम ना जाए, आप लोग ज़्यादा उसको लर्न भी नहीं करोगे, इसलिए जो आपके काम काम का है वो लर्न कर लो. तो 4 पाई ये एरिया होता है रिसीवर का और इसमें होता है लेमडा स्क्वायर. अभी लेमडा स्क्वायर क्या चीज़ है वो लिख लो. इज द इफेक्टिव डिस्टेंस कवर्ड बाय रिसीवर, रिसीवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो लेमडा कहलाता है. सो इफेक्टिव डिस्टेंस कवर्ड बाय रिसीवर, ठीक है, तो ये वो है. अब जैसे आप इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू जो है 1 में रख दोगे क्योंकि 2 में एरिया आ रहा है ना AT, तो इस AT का वैल्यू आप ऊपर पुट कर दो आराम से. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ AT, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AT फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 है ना, 2 से 1 में रख दो, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पर मुझे पी आर मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में और पी टी वहाँ पहले से अवेलेबल था और ए आर वहाँ पे था ही सही. अब मल्टीपल में कितना आ गया, जी टी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये एक मल्टीपल में आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बस. अब आप लोग चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू भी रख सकते हो, किसका वैल्यू पुट कर दोगे, ए आर का.
So putting the value of AR from equation 3 to 4. So putting the value of AR from 3 to 4. तो तीन से उठा के चार में रख दो AR का वैल्यू, यहाँ पे AR है ना, ये रहा, तो वो जैसे आप रख दोगे तो PR आ जाएगा, पावर बाय द रिसीवर, ये PT था इसे, यहाँ पे AR का वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे GT था इसे, तो GR भी आ गया, और यहाँ कितना बच गया लेमडा, और 4 pi जो है 4 pi d का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि d स्क्वायर पहले से था तो 4 pi पहले भी आ गया, तो 4 pi कितना है 4 pi का स्क्वायर, तो 4 pi d स्क्वायर हो गया, ये 4 pi पहले से था, फिर से एक 4 pi आ गया तो 4 pi का होल स्क्वायर हो गया, d पहले से था इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, लेमडा स्क्वायर भी आ गया, तो ये हो गया, तो अल्टीमेटली ये 5 नंबर समीकरण हो गई आपकी, है ना। दिस एक्सप्रेशन फॉर पावर गेन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर गेन, है ना, तो इस प्रकार से आपको ये निकालना था, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर गेन ऑफ द रिसीवर इन द लिंक कैलकुलेशन ऑफ द रिसीवर इन द लिंक कैलकुलेशन, ठीक है, यही तो कहा था मैंने कि लिंक कैलकुलेशन में हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं रिसीवर की, तो ये आ गया। सो वी नो दैट द पावर अटेन्यूएशन इज, द पावर अटेन्यूएशन मतलब पावर को रोकने की चीज, उसे बोलते हैं अटेन्यूएशन, तो पावर अटेन्यूएशन, पावर को रोकना, दैट्स द पावर अटेन्यूएशन, और इसकी डायमेंशन जो होती है ना बीमा, जिसे इकाई बोलते हैं, वो डिबाई में होती है, तो डिबाई में आता है ये। सो पावर अटेन्यूएशन क्या होता है, अल्फा इन द डिबाई, वो क्या हो जाएगा 10 लॉग पीटी अपॉन पीआर, तो पीटी अपॉन पीआर, इक्वेशन नंबर 5 में आपको पीटी अपॉन पीआर मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 6, तो ये किसमें आएगा, डायमेंशन होगी इन डिबाई, ये डिबाई में चल रहा है सब कुछ। अब आप लोग 5 से जो है ना पीटी अपॉन पीआर का वैल्यू उठा के और 6 में रख दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो 5 से वैल्यू उठा के 6 में रख दो, तो नॉर्मली इसको ना अल्फा डीबी बोलते हैं, बिकॉज ये डिबाई में नापते हैं ना, तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10 लोग, जैसे आप 5 से पीटी अपॉन पीआर का वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जी टी जी आर एंड लेमडा अपॉन 4 pi d का होल स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन में है तो इसका इन्वर्स लगा दो, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि इन्वर्स अगर है मतलब पावर में कुछ भी है तो वो आगे आ जाएगा, तो अगर मैं इसको लॉग की प्रॉपर्टी से करता हूँ तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, केवल यहाँ लिख दो लॉग की प्रॉपर्टी, अगर लॉग में कोई भी चीज़ ऊपर होती है तो वो आगे आ जाती है ना, मैंने इसका इन्वर्स कर दिया, ये ऊपर चला गया इन्वर्स करते ही, तो ये कितना हो जाएगा जी टी जी आर लेमडा अपॉन 4 pi d का होल स्क्वायर। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए मल्टीप्लाई विद लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस बी होता है, तो लॉग के अंदर अगर कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो माइनस 10, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी, प्लस इसका भी लॉग तो दो आगे आ जाएगा, तो दो लॉग लेमडा अपॉन 4 pi d ये हो जाएगा। अब इस 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये अटेन्यूएशन आ जाएगा तुम्हारे पास, तो पावर भी निकाल ली मैंने और अटेन्यूएशन भी निकाल ली, तो ये सारी जो बातें होती है ये
लिंक कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट होती है। इस कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूला से हम लोग जो है ये पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा एंटीना या कौन सा सिग्नल कितना एरिया कवर करेगा। तो ये वो सब प्रकार की कैलकुलेशन होती है। तो ये माइनस दस को आप लोग अंदर ले लो, माइनस दस को अंदर लेते ही ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचते ही ये तो जाएगा माइनस टेन लोग जी आर, माइनस टेन लोग जी आर, और ये माइनस माइनस 20 हो गया, तो माइनस को अंदर लेते तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 लोग, और ये इन्वर्स लग जाएगा माइनस का ऊपर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई d अपॉन लैम्डा, क्योंकि माइनस मैंने लोग के ऊपर भेज दिया, तो ये उल्टा हो गया। वैसे भी ये बटे में था, रेसिप्रोकल टाइप में था, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रखा, बस उस फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया। सो ये मेरे पास क्या हो गया, अटेन्यूएशन आ गया फॉर द लिंक कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर का मैटर मैंने आपको तैयार कर दिया, और इस सवाल में लगभग 5 नंबर का आता है, बिकॉज एक क्वेश्चन कभी बड़ा नहीं आता, थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में आता है वो। हाँ एक ज़रूर बड़ा आएगा, वो मैं बहुत बड़ा करा दूंगा आपको डिटेल में, 20 नंबर के लायक। तो ये है इक्वेशन, और ये तुम्हें निकालनी थी लिंक कैलकुलेशन के अंदर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर अटेन्यूएशन, फॉर पावर अटेन्यूएशन इन लिंक कैलकुलेशन। तो मैंने पावर भी निकाल ली, पावर अटेन्यूएशन भी निकाल लिया इन द लिंक कैलकुलेशन, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो ये वाली बात थी, और इसमें आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, द फर्स्ट टू टर्म, क्योंकि माइनस में है ना, देखो शुरुआत की दो टर्म, ये वाली पहली टर्म, ये दोनों माइनस में है, तो यहां पे लिख सकते हो द फर्स्ट टू टर्म ऑफ अबाव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पाथ लॉस, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, पाथ लॉस। तो ये ऑब्वियस ही बात है माइनस में है ना, इसलिए ये पाथ लॉस को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे पास पावर कैलकुलेशन। अब कल मैं एक और आपको डेरिवेशन कराऊंगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का डेरिवेशन करेंगे और कुछ बातें लिखेंगे उसके बारे में, थियोरेटिकल डेरिवेशन तो नहीं, सॉरी मतलब थियोरेटिकल टॉपिक है, तो एक थियोरेटिकल टॉपिक कल हो जाएगा, और शनिवार को एक लंबा टॉपिक कराऊंगा मैं जो 20 नंबर की लायक क्वेश्चन होगा, तो 20 नंबर लायक सवाल कर लेंगे हम लोग शनिवार को, और शनिवार को ये माइक्रोवेव ख़त्म कर देंगे। फिर मंडे से मैं आपको स्टैटिस्टिकल स्टार्ट करवा दूंगा, ताकि स्टैटिस्टिकल मतलब आपका सॉलिड का कुछ बच रहा है ना पार्ट, तो उस सॉलिड के बचे हुए पार्ट को भी हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।